यूपीएससी में लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया था, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उस पर रोक लगा दी है। विज्ञापन के जारी होने के बाद से लगातार इसका विरोध हो रहा था और सरकार इस मुद्दे पर घिरती नजर आ रही थी। चौतरफा दबाव के चलते केंद्र सरकार अब लेटरल एंट्री के इन पदों को आरक्षण के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। वहीं अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सरकार के इस कदम को पीडीए की जीत बता दिया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल माइक्रोसाइट एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी और पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। दरअसल 17 अगस्त को लेटरल एंट्री का विज्ञापन जारी होने के बाद से ही इस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक और मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक सभी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरक्षण विरोधी करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के तहत उन लोगों को सरकारी सेवा में लिया जाता है जो अपनी फील्ड के माहिर होते हैं। ये यूपीएससी या किसी सरकारी कैडर से नहीं होते। सरकार तजुर्बे और दक्षता के आधार पर इन्हें नौकरशाही में तैनात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।